हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फाउंडेशन कोर्स का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो ये फाउंडेशन कोर्स है, हम उन बच्चों के लिए ये डिलीवर कर रहे हैं जो बच्चे आने वाले समय में नीट और IIT JEE मेन की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर कोई ओलंपियाड के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। हमने HCF फाइंड आउट करना है। देखने में बड़ा आसान है, बट एक टेक्निकल ट्रिक जो हमने इसमें ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है HCF ऑफ 2^3 मल्टीप्लाई बाय 3^2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2^2, 3^3, 5^2 एंड 2^4, 3^1। यहाँ पे 1 है पावर, क्योंकि कोई भी पावर नहीं है। 5^3, 7^1। तो हमने HCF कैसे निकालना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान में हो कि इन जो तीनों नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब हमने HCF निकालना है तो छोटी पावर निकालेंगे। छोटी पावर कहने का मतलब ये 2^3 है, ये 2 है, ये 4 है। तो छोटी पावर कौन सी हुई? 2^2 हुई। अब 3 में क्या देखेंगे? 3^2, 3^3, 3^1। तो छोटी पावर क्या हुई? 3^1। अब 5 में देखेंगे, 5^1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 5^ छोटी कौन सी हुई? 1। अब 7 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे भी 7 नहीं है, यहाँ पे 7^1 है। तो अब 7^ जो 0 है ये छोटा है। कहने का मतलब 2^2 4, 3^3 1, 5^5 1, 5, 7^0 इज 1। तो 4^3 = 12, 12^5 = 60, 60^1 = 60, तो 60 इज द आंसर। तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर होएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके CBSE के एग्जाम में जो केस स्टडी आता है उसमें ऐसे क्वेश्चन अब फिर पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।